गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। पिछले वीडियो के अंदर हमने नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ा, और फिर लास्ट में पढ़ा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में, जिसमें मैंने एग्जांपल लिया था मैंगो, जिसको मेंजिफेरा इंडिका कहा गया, और मेंजिफेरा जो है वो है जेनेरिक नेम, और ये इंडिका जो है स्पेसिफिक एपिथेट के रूप में समझा था। इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, उसके बाद उसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाया, उसको श्रेणीबद्ध तरीके से जमाया मैंने, और उसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल मैंने ये लिया है। इस वीडियो के अंदर टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण किसी भी प्लांट या फिर एनिमल का, किसी भी प्लांट या एनिमल का वर्गीकरण करना। वर्गीकरण के रूप में कैसे, कि जैसे कि किसी भी प्लांट का बोटनिकल नेम हमें ले लिया, जैसे कि मस्टर लिया तो ब्रेसिका कैम्प्रेटिस जिसको कहा गया, उसके बाद उसकी फैमिली, उसके बाद उसका ऑर्डर, जीनस, ऐसे करके ये पूरा जो वर्गीकरण है वो ही टैक्सोनॉमी कहलाती है। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक किसी भी चीज का उसके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से अगर उसको देखें, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा, दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। किसी भी, जैसे कि प्लांट का, हमने किसी भी प्लांट का वर्गीकरण करना है। वर्गीकरण कैसे करना है कि इसका स्पेसिफिक बॉटनिकल नेम क्या है, फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, जीनस क्या है, श्रेणीबद्ध तरीके से करना है। श्रेणीबद्ध तरीके से अगर हम करते हैं तो वही उस वर्गीकरण की श्रेणी में आता है। तो इसके अंदर क्लासिफिकेशन तभी पॉसिबल है जब उसका पर्टिकुलर प्लांट या फिर एनिमल का अच्छे तरीके से उसका वर्गीकरण किया जा सके। तो ये तो थी अपनी डेफिनेशन टैक्सोनॉमी की। अगला पॉइंट आता है कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज शोइंग हायरार्कियल अरेंजमेंट इन द असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि श्रेणीबद्ध तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में जब हम जमाते हैं तो वो कैसे जमाते हैं, वो ऑर्डर मैंने यहाँ पर लेकर का है। तो पहले मैंने लिखा यहाँ पर स्पीसीज, उसके बाद मैंने लिखा जीनस, उसके बाद उसकी फैमिली, फिर उसका ऑर्डर, फिर उसकी क्लास, फाइलम और डिवीजन, और लास्ट में मैंने लिखा है किंगडम। ये तो एक तरीका हुआ किसी भी प्लांट या फिर किसी भी एनिमल का सही ढंग से वर्गीकरण करना, सही ढंग से उसका टैक्सोनॉमी हो जाना। ये मैंने ऑर्डर लिख रखा है, यानी स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन, या तो फाइलम कहो या फिर डिवीजन कहो, एक ही बात है, और लास्ट में मैंने लिख रखा है यहाँ पर किंगडम। अब मैंने एग्जाम्पल भी लिख रखा है इसके अंदर। तो मैंने एग्जाम्पल लिया ह्यूमन बींग का, मैन का। तो ह्यूमन बींग को अगर देखें तो ह्यूमन बींग को हम क्या कह सकते हैं, मैन के रूप में लिया है मैंने, तो उसका बीएन का मतलब हो गया बोटनिकल नेम। उसका बोटनिकल नेम क्या हो जाता है, होमो सेपियंस। क्या हो गया उसका, होमो सेपियंस। ये मैंने यहाँ पर जी लिख रखा है, जी का मतलब होता है जीनस। जी का मतलब क्या हो गया, जीनस। जीनस मैंने लिख रखा है होमो, क्या हो गया, होमो। फिर मैंने लिखा एफ, एफ यानी फैमिली, फैमिली मैंने लिखा है होमिनिडाई, ये इसकी फैमिली हो जाती है। फिर मैंने लिखा ओ यानी उसका ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है प्रीमेटा, ये उसका ऑर्डर है, किसका है, अपना मैन का। फिर मैंने लिख रखा है सी, सी यानी उसकी क्लास। देखो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में जमाया इसको, सी तो क्या हो गया उसका मेमेलिया, स्तनधारी जो होते हैं जितने भी, वो सारे मेमेलिया के अंदर। और पी मैंने लिख रखा है यानी उसका फाइलम, यानी कि क्या लिख दिया मैंने, कॉर्डेटा। यानी कि एक पर्टिकुलर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है एक ह्यूमन बींग को लेके, तो मैंने उसका बोटनिकल नेम लिखा होमो सेपियंस, फिर लिखा जीनस होमो, फैमिली लिखी होमिनिडाई, ऑर्डर लिखा प्रीमेटा, उसके बाद मैंने क्लास लिखी मेमेलिया, और फाइलम लिखा मैंने है कॉर्डेटा। तो एक एग्जांपल के रूप में ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया। ऐसे जितने भी प्लांट्स हैं
उनका जितने भी अपने नेचर के जितने भी प्लांट्स है प्लस एनिमल्स, उनको इसी क्रम में लिखा गया है। इसी क्रम में क्या करा गया है, लिखा गया है, जिसकी वजह से ये जो चीज है, अब ये मैंने लिख दिया है तो ये ओवरऑल वर्ल्ड में इसका एक ही पर्टिकुलर नेम है, जो मैंने नोमेनक्लेचर में कहा था कि किसी भी चीज का क्या होता है, पर्टिकुलर नेम होता है जो ओवरऑल वर्ल्ड में उसको एक ही नाम से जाना जाता है। यानी कि हम पोर्टिकल नेम हम ह्यूमन बींग का कहेंगे होमोसेपियंस, तो होमोसेपियंस पूरे वर्ल्ड में है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहीं है। तो ये एक तरह का क्लासिफिकेशन है, एक तरह का टेक्सोनॉमी है, जिसको अलग अलग भागों में इसको बांटा गया। ये मैंने लिख दिया है पूरा। ऐसे हर चीज, हर एनिमल का, हर प्लांट का यही होता है। इसलिए अपन हम अब पर्टिकुलर स्पीसीज किसे कहा जाता है, जीनस किसे कहा जाता है, फैमिली किसे कहा जाता है, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, किंगडम, अलग अलग चीज को अच्छे से डिस्क्राइब में हम अगली वीडियो में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।